सो लेट अस रीड द सेकेंड पार्ट नाउ. अब सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? The jinn remonstrated with the camel who said humph, यानी जिन ने उस कैमल के साथ बातचीत की, उसे सबक सिखाया. The camel's beautiful back suddenly grew a lump which was called the camel's hump. और जो कैमल की बैक थी, जो पहले बहुत खूबसूरत बिल्कुल फ्लैट थी, अब उसने एक लंप, यानी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक छोटा सा पहाड़ सा शेप आ गया जिसको हम्प बोला जाता है. जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. लेकिन वो हम्प देने के बाद जिन ने कैमल को इस चीज का अश्योरेंस, इस चीज का दिलासा दिया, विश्वास दिलाया कि ये जो हम्प है ये हमेशा कैमल्स की मदद ही करेगा, कोई हिंड्रेंस यानी कोई तकलीफ नहीं देगा उन्हें. सो व्हाट हैपेंड, लेट्स रीड द होल स्टोरी. सो द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वॉटर. So, जिन ने क्या किया, he rolled himself up in his dust cloak. Cloak क्या होता है? Cloak एक तरीके का garment होता है, एक कपड़ा होता है जिसे हम पहनते हैं और वो हमारे पूरे शरीर को ढक लेता है. तो यहां पर जिन ने खुद को किस चीज से ढक लिया? डस्ट से. जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन जब भी अपियर करता था वो डस्टी क्लाउड्स उसके आसपास होते थे, तो जिन ने खुद को इस डस्ट से कवर कर लिया, पूरा ढक लिया. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट में टहलने के लिए निकल पड़ा. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वॉटर, और उसने देखा कैमल को, और कैमल क्या कर रहा था? अपनी खुद की रिफ्लेक्शन, अपनी खुद की परछाई देख रहा था वो पूल के पानी में. तो वहां पर एक छोटा सा पूल था, पानी इकट्ठा हुआ पड़ा था और उस पानी में कैमल अपने आप को देख रहा था. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. जिन ने बहुत पोलाइटली कैमल को बोला दैट माय फ्रेंड, दोस्त, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. ये क्या है जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं करते हो? द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वॉटर. सो जो जिन था वो आराम से बैठ गया विद हिज चिन इन हिज हैंड. चिन इन हिज हैंड, जिस तरीके से हम बैठते हैं ना, कभी कभी जब हम बैठते हैं अपने हाथों से अपनी चिन को पकड़ के, तो हमारा जिन वैसे बैठ गया बहुत आराम से, क्योंकि जो कैमल था वो अभी भी बिजी था क्या करने में, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देखने में इन द वॉटर. You've given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. And he went on thinking with his chin in his hand. Jinn ne kya bola? Ki ever since Monday morning, yani Monday morning se, tumhari wajah se, wo jo the three hai, kaun hai the three? Again, ox, horse and dog. तुमने इन तीनों को एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है मंडे मॉर्निंग से, ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. ऑन अकाउंट का मतलब बिकॉज ऑफ योर आइडलनेस. आइडलनेस मतलब लेजीनेस, अपने आलस की वजह से तुमने उन तीनों बेचारों को एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो जो था वहां पर बैठ, जो जिन था वो बैठा हुआ था अपने चिन को हाथों से पकड़कर और सोच रहा था कि वो क्या करेगा कैमल के साथ. सो हम्फ सेड द कैमल. कैमल ने जिन को भी क्या जवाब दिया? हम्फ. आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. यू माइट से इट वंस टू ऑफन. आई वॉन्ट यू टू वर्क. तो जिन ने क्या बोला? आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू. कि इफ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल दोबारा से नहीं करता.
यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम बहुत ज्यादा ये वर्ड रिपीट करते हो, हर एक चीज में तुम यही शब्द का इस्तेमाल करते हो। जिन ने कैमल को क्या बोला, आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम काम करना शुरू कर दो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और कैमल ने एक बार फिर क्या बोला, हम्फ। बट नो सूनर हैज ही सेड इट, जैसे ही कैमल ने हम्फ बोला, कैमल ने अपनी बैक की तरफ देखा, दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, कैमल को अपनी बैक पर बहुत गर्व था, उसे बहुत पसंद थी अपनी बैक। उसने देखा कि उसकी बैक जो थी वो धीरे धीरे पफ हो रही थी, पफ मतलब वो धीरे धीरे साइज में बड़े जा रही थी, और क्या बन गई उसकी बैक, एक बड़ा सा हम, एक छोटू सा पहाड़ उसकी बैक के ऊपर निकल आया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्फ दैट यू ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। जिन ने क्या बोला, डू यू सी दैट, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, दैट्स योर ओन वेरी हम्फ, ये जो तुम हम्फ बोलते हो ये वही हम्फ है जो तुम्हारी बैक के ऊपर निकल कर आया है। यू हैव ब्रॉट अपॉन योर ओन वेरी सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और इस हम्फ के जिम्मेदार तुम खुद हो, तुमने खुद ने इस हम्फ को अपने शरीर के ऊपर आने के लिए बोला है, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, व्हेन द वर्क बिगन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। जिन ने क्या बोला कि आज थर्सडे है एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है, व्हेन द वर्क बिगन, तो मंडे को जब काम शुरू हुआ था तब से तुमने कोई काम नहीं किया है, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम पर जाओगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद दिस हम्फ ऑन माई बैक। कैमल ने क्या बोला कि ये इस हम्फ के साथ मैं काम पर कैसे जा सकता हूं। दैट हैज अ पर्पस, सेड द जिन, All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. So, Jin ne kya bola ki ye jo hump hai tumhare back par, that has a purpose. Iska ek karan hai, iska ek फायदा है, एक यूज होगा तुमको। ऑल बिकॉज यू हैव मिस दोज 3 days, तुमने वो जो 3 दिन वेस्ट किए हैं काम ना करके, इस हम्प से क्या होगा, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए तुम 3 दिनों तक अपने इस हम्प के सहारे काम कर सकते हो। Because you can live on the hump, because ये हम्फ तुम्हारी मदद करेगा बिना खाए काम करने की। Now ये चीज हमने पढ़ी है and I'm sure हमें पता भी है, although ऐसा माना जाता है कि जो हम्फ होता है कैमल्स के बैक में, इसके अंदर वो पानी को स्टोर करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, कैमल्स जो हैं इसके अंदर फूड को स्टोर करते हैं और अलग अलग उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस हम्फ से। तो जिन ने बोला कि तुम अपने इस हम्फ के सहारे रह सकते हो और बिना खाना खाए काम कर सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और आज के बाद कभी ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जो हम्फ मैंने तुम्हें दिया है ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरी साइड से तुम्हारे लिए। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। जिन ने क्या बोला कैमल को, कम आउट ऑफ द डेजर्ट, चलो अब डेजर्ट के बाहर चलो, एंड गो टू द ट्री, हु ट्री, द डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स, इन तीनों के साथ काम करो, एंड बिहेव यानी बिल्कुल तमीज से काम करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्फ, वी कॉल इट हम्फ नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स,
But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. And he has never learned how to behave. So, Rudyard Kipling हमें बताते हैं जो कैमल है जिनके कहने पर उन तीनों को ज्वाइन तो उन्होंने किया एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. उस दिन से लेकर आज तक कैमल जो है वो हमेशा हम्प के साथ रहता है. अब हम हम्प को हम्प बोलते हैं ताकि बेचारे कैमल की फीलिंग्स हर्ट ना हो. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the work. Caught up मतलब कैमल ने दुनिया शुरू होने के स्टार्टिंग के जो 3 दिन जो मिस किए थे वेस्ट किए थे वो उनकी भरपाई अभी तक नहीं कर पाया है. And he has never yet learned how to behave. ना ही कैमल सीख पाया है कि उसे बिहेव कैसे करना है. And with this, my dear students, we come to the end of the explanation of the chapter. So, जैसा मैंने आपको starting में ही बताया था, एक imaginary story है किस बारे में कि camel को hump कैसे मिला. First part में हमने पढ़ा कि 3 जानवर जिनको the 3 कहा जाता है, यानी horse, ox और dog, वो तीनों एक-एक करके camel के पास जाते हैं, उसको काम करने के लिए बोलते हैं. बट कैमल सिर्फ एक जवाब देता है सबको और वो क्या है हम्फ. इससे वो सब बहुत बुरा लगता है उन्हें और वो मैन के पास जाते हैं बताने के लिए कि कैमल तो काम करने को तैयार ही नहीं है. जो मैन था उस मैन ने उन तीनों से कहा कि क्योंकि कैमल काम नहीं कर रहा तो उसका काम अब आप तीनों करेंगे. दिस मेड देम एंग्री एंड उन्होंने एक पंचायत बिठाई डेजर्ट के किनारे. उसमें आए जिन. जिन कौन थे? सारी की सारी डेजर्ट्स के इंचार्ज. जब जिन वहां पर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है और उन्होंने तीनों जानवरों ने अपनी अपनी कंप्लेन जिन के सामने रखी. जिन ने उन्हें श्योरिटी दी कि वो इसका सल्यूशन ढूंढ कर आएंगे और वो गए वहां से कैमल के पास. जब जिन कैमल के पास गए तब कैमल क्या कर रहा था? अपनी खुद की परछाई को पानी के अंदर देख रहा था. दिस वॉज हाउ ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम. जिन ने उसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, और हर एक क्वेश्चन का आंसर कैमल ने क्या दिया था? हम्फ. दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ नहीं था. जैसे ही कैमल ने दूसरी बार हम बोला उसने देखा कि उसकी जो बैक थी जिस पर कैमल को बहुत गर्व था बिकॉज उसे वो बहुत खूबसूरत लगती थी, उस बैक पर छोटे से लंप्स बनने शुरू हुए और वो धीरे धीरे एक हम्प यानी एक पहाड़ बन गया. जिन ने उसे बोला कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, जो तुम ये काम नहीं करते हो ये उसका रिजल्ट है. फिर जिन ने उसे इस चीज की भी श्योरिटी दी कि ये जो हम्फ है ये तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव साबित होगा क्योंकि अब तुम 3 दिनों का काम कर सकते हो बिना कुछ खाए एंड दिस विल हेल्प यू. फिर जिन ने उसको बाकी तीनों जानवरों को ज्वाइन करने के लिए बोला तो कैमल ने उन्हें ज्वाइन तो किया लेकिन वो जो 3 दिन उसने वेस्ट किए थे ना तो वो काम की भरपाई कर पाया और ना ही हमारा कैमल जो था वो अच्छे से बिहेव करना सीख पाया. नाउ सब्सक्राइब टू ब्राइट ड्यूटी कोर्स एट ₹1 per day ओनली. डाउनलोड ब्राइट ड्यूटी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड गेट द ऑनलाइन कोर्सेज प्रिपेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स ऑफ क्लासेस 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.